ले पाएगी, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे भी कोई टस से मस हो रहा है, यहाँ पे भी कोई टस से मस नहीं हो रहा, और रोज के रोज लाखों लोग आ रहे हैं। अगर नौ की, मैं फिर से वही बात कहूँगी कि अगर हम लोगों के बीच में बात ये होती कि नौ को जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये हल हो जाएगा, तो वहाँ से और ट्रालियाँ ट्रक भर भर के नहीं आ रहे होते, ये पता था। जियो और तमाम चीज़ों का बहिष्कार करने की बात कही है, आप लोग कितना तैयार हैं उसके लिए? हाँ, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हमने शुरू कर दी इस बात के, क्योंकि हमें लगता है कि बॉर्डर सारे सील होंगे। मैं तो कहती हूँ एयरपोर्ट भी सील होना चाहिए, क्योंकि आम जनता तो बसों से आ रही है, एयरपोर्ट से तो वही मंत्री आ रहे हैं ना दिल्ली में अपना काम करने के लिए, तो सील होना चाहिए ये चीज़ें। जियो सेम रिलायंस पेट्रोल तो हमने आगे भी पंजाब में बंद कर रखे हैं, तो बंद होंगे तभी तो उनको पैसा मिलना बंद होगा, तो उनको थोड़ा सा अभी भी कौन सा नहीं हो रहा, अभी भी उनको पड़ा तो हुआ है कि हम लोगों को अडानी और अंबानी उनकी वजह से नहीं ले रही, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये गिव एंड टेक की बात होती है, गिव एंड टेक की बात ऐसे है कि अगर मोदी जी फंड ले रहे हैं उनसे तो वो यहाँ की पूरी संपत्ति हड़पने को है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, तो बिल क्यों नहीं वापस आ रहे, क्योंकि जो लाखों करोड़ों बिलियन मिलियन उनसे फंड लिए गए हैं वो वापस कैसे होंगे? लेकिन यहाँ पे वोट कटेगा ना उनका, जो मोदी जी को सपोर्ट किए थे वही अब जो है यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल कटेगा, मैं खुद कह रही हूँ कि मेरी जान पहचान में ऐसे हजारों लोग हैं जो अब इनके खिलाफ हो गए हैं, जो इनके पूरे सपोर्टर थे जिस तरह से, जो क्योंकि ये कि आप ये मत सोचिए किसान की बात है, ये किसान सिर्फ एक किसान की बात नहीं है, जो खाना खाता है बंदा, हम जैसे हम मेरे बाप दादा पहले किसानी करते थे, अब तो वो ठेके पे जमीन देते हैं, लेकिन हम खाना तो वही खा के सो रहे हैं ना, तो ये आम इंसान की लड़ाई है। क्या लगता है जो प्रस्ताव आया, आप लोगों ने प्रस्ताव भी नहीं माना, तो अब क्या स्थिति बन रही है, कैसे हल हो पाएगा ये मामला जो है? ऐसे ही हल को हो पाएगा, सब बैठे हैं और सिदक से बैठे हैं, किसी को ये नहीं लग रहा कि आज की बात है तो कल को हल हो जाएगा। कल जैसे नौ को मीटिंग भी थी तो ये किसी के दिमाग में नहीं था कि आज ये हल होने वाला, अगर ऐसा होता तो वहाँ से ट्रालियाँ और चल के नहीं आती, दिख रहा था कि वो अड़े हैं तो हम भी अड़े हैं। क्या 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 दिक्कत है अब, जैसे लिखित का आश्वासन की बात की सरकार ने, और उसके बाद MSP के लिखित आश्वासन के साथ साथ कुर्की और तमाम चीज़ों पे जो आश्वासन दी, क्या ऐसा है उसमें कि आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसे? तो वो तो नाम मात्र वाली चीज़ें हैं ना, जैसे वो एक बच्चे को लॉलीपॉप दे दो तो वो रोना बंद कर देता है, ऐसी चीज़ थी कि आपने वो धरना जो लगा रखा है उस पर हम ये छोटी छोटी सोध कर देते, लेकिन हम लोग यहाँ जो इतने इकट्ठ में बैठे हैं, छोटी सोधों की बात आपने उस दिन के नहीं कब नहीं की थी जब हमने यहाँ पे टोल प्लाजा सब ब्लॉक करे हुए थे, तब तो कोई सरकार आगे नहीं आई, किसी ने बात नहीं सुनी, उन्हें लगा था शहीन बाग की तरह ये बैठे हैं उठा देंगे ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे लग गया यहाँ पे धरना, लाखों की लोग में रोज के रोज लाखों लोग आ रहे हैं, तो अभी सोध की बात कर रहे हैं, तो वो भी सोध ऐसी है जिसका कोई इतना फर्क है नहीं किसी लोगों को। आप कहाँ से आए हैं दिल्ली के? और बेसिकली अमृतसर से हैं हम लोग, लेकिन रहते यहाँ दिल्ली में ही। कहा तो बहुत कुछ कह रही है सरकार ने, तो पहले भी बहुत सारे बिल पास कर दिए, और अगर यही बिल पास करना कानून के लॉ इसके किसान के हित में था तो वो वहाँ पे कोई किसान यूनियन का मेंबर क्यों नहीं था, क्यों नहीं था वहाँ का कोई लीडर, उनको उनको आपस में बात करके उनसे रजामंदी से बिल पास क्यों नहीं किए गए? ये जो बिल कोई भी सिंपल सी बात है, कोई भी बिल पास होता है उसका मतलब यही होता है कि इससे लोगों को फायदा होगा, लोग बोल रहे हैं हमें फायदा नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या बनता है, बिल वापस लेना बनता है ना। तो सरकार के कुछ लोग तो कह रहे थे इसके मुट्ठी भर लोग, कुछ लोग इसके विपक्ष वाले लेके आ रहे हैं, तो कुछ किसान तो है ही नहीं है। आपको लगा यहाँ पे कि मुट्ठी भर लोग आ रहे हैं और यहाँ पे किसान नहीं है? क्या कौन सा किसान नहीं है? ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, सब किसान कौन सा किसान है? सरकार को भी किसान नहीं है, सभी यहाँ पर जो भी आए हुए हैं सभी किसान के बेटे हैं। क्या आपकी आगे की रणनीति क्या है, आपको आगे क्या करना है? रणनीति हम बैठे हैं आगे छाटे बड़े दशन के जुड़ियां वाले ऐसी कोशिश कर रहे हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, बैठे हैं यहाँ पे, हमें हम ये अपने कानून वापस करके अपने हक लेके वापस जाएंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे तो आप किसी की ट्राली और ट्रैक्टर को आप देख लो, ट्रक किसी का या ट्राली, आपको यहाँ पे एक हफ्ते का राशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 6-6 महीने का साल का राशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे गुरुद्वारे हैं हम पंजाबियों के, वो एक गुरुद्वारा ही ऐसी जगह है जहाँ पे सालों हमेशा से जो हमारे गुरु नानक देव जी ने चलाया तब से लंगर चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हम लंगर से या खाने से यहाँ से उठ के चले जाएंगे? जो सारी दुनिया का पेट भरता है उसको कोई भूखा छोड़ेगा या भूखा रहेगा? गुरुद्वारों के लंगर चल रहे हैं, आप देखिए। बात सोचिए कि जो मोदी ये बोल रहा था मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, तो वो शोध करने के लिए तैयार हो गया है, अगर शोध करने के लिए इतने दिनों में तैयार हो गया तो बिल कैसे वापस ले लेगा? आज तक तो नहीं हटे ना किसी बिल पे, तो ऐसे कैसे हो? आज तक पंजाबियों से पाला भी कहाँ पड़ा? ऐसी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप भी अड़े रहेंगे? सरकार ने कानून लिखे हैं लेकिन पंजाब इतिहास लिख रहा है।
अच्छा हाँ बिल्कुल, और ये हमारा इतिहास है कि हम जब भी आए दिल्ली जीत के गए, हाँ अभी भी दिल्ली जीत के। क्या केवल पंजाब का मामला है पर इसमें? पंजाब का मामला नहीं है, शुरुआत यहाँ से हुई थी, अभी तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सारा हिंदुस्तान का मसला, इवन एक पंजाब का नहीं, ये आम इंसान का मसला है। हिंदुस्तान का मामला होगा, पूरे देश का, सारे हिंदुस्तान का, पंजाब का मामला है, क्या पंजाब का, क्या हरियाणा का मामला नहीं दिया होना, पूरे हिंदुस्तान का मामला हो गया। दिल्ली में बैठे यहाँ सरकार से मिलने नहीं दिया, क्या जाने नहीं दिया वाला तो सीन ही नहीं है, दिल्ली नहीं जाने दिया वाला सीन ही नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, ये आप सरकार का, दिल्ली नहीं जाने दिया वाला सीन नहीं है। जो हमें तो सिंगू बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने दे रहे थे, लेकिन हमने वो चंबू बॉर्डर क्रॉस किया है, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से बैठे हैं, हमें तो बुराड़ी तक भी बुलाया गया था, लेकिन हम यहाँ अपनी मर्जी से बैठे हैं। क्यों नहीं जा रहे? बुराड़ी में खुली जेल में क्यों जाइए? क्यों जाइए खुली जेल? असी क्यों जाइए वो इथे आणो? असी क्यों जाइए? असी नहीं जाना, असी नहीं जाएंगे, इथे मंगाएंगे। चलो कोई नहीं, बापू जी पूछने दो। हां जी हां जी पूछिए। आपको क्यों लगता है कि बुराड़ी जेल है? आपको क्यों नहीं लगता कि बुराड़ी जेल नहीं है? क्यों नहीं लगता? बुराड़ी जेल है खुली, वहाँ पे टेंट लगा दिए हैं, सारी तरफ सीआरपी लगा दी थी कि जो यहाँ आ गया वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं पे है। तो यहाँ पे हम अपनी, हम इसलिए थोड़ी आए थे कि सरकार हमें एक घर से लेके दूसरे घर में कैद कर ले, किसी वेयर हाउस में हमें कैद कर ले, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे बैठे। आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, दिल्ली नहीं गए हैं, वो हमारी मर्जी है, हमें तो बैठने। बैरिकेड तो शंभू बॉर्डर पे भी लगे थे जी, बैरिकेड सबसे बड़ा वही लगा। जिस दिन हम जाना चाहेंगे हमें ये बैरियर कुछ नहीं कहेंगे, किसान के लिए ये बैरियर कुछ नहीं है। जिस दिन हम जाना चाहेंगे, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ, मेरा मेरा कोई सीधा संबंध किसानी धंधे से नहीं है, जैसे बहन जी ने बताया, मेरी बड़ी बहन ने। देखिए किसान लोगों के साथ मैं आया हूँ, और एक तरफ नेशनल फ्लैग है दीदी, बेचो बीच में वो लोग हैं, किसान लोग हैं जिन्होंने अपने अंक खोए हैं। अगर आप जो मोदी सरकार इस आंदोलन को एंटी नेशनल का एक रोल देना चाहती है, अगर ये लोग, ये पांच लोग खालिस्तानी हैं, तो मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैं हिंदू खालिस्तानी हूँ। बोले सर, आज तक ये वो कौम है सर, मैं हिंदू हूँ, इनके बीच रहा हूँ, इनके ही लीडर हैं। जैसे सुषमा स्वराज थी, उन्होंने कहा था आज से 4-5 साल पहले कि जो आरती है किसान का पारंपरिक एटीएम है, एटीएम है, तो आज यही सरकार देखो खिलाफ चल रही है उस बात के, इनके जो मेन लीडर हैं उन्होंने ये बात कही हुई है, ये खुद ही अपनी बात से मुकर रही है ये सरकार। ये पूरा सौदा अडानी अम्बानी के साथ क्यों किया जा रहा है? ये तो सर सरकार को पता हो, लेकिन जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से नहीं हिलेगा। देखो सर प्लीज आप समझिए, बच्चा बच्चा जानता है ये बात कि जैसे मुगलों ने देश पे हमला किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दीदी, आज बच्चा बच्चा आज जानता है कि एक ये मोदी साहब, शाह साहब एक कारपोरेट हमला करने जा रहे हैं, इन्होंने हमारे सारे पब्लिक सेक्टर बेचने दे दिए, सरकार से छीन लिए, चाहे वो NTPL हो, NGC है, रेलवे है, एयर एलाइंस है, क्या नहीं छीना इन्होंने, ये सब पब्लिक सेक्टर को बेचने पे तुले हुए हैं, ये एक कारपोरेट हमला है, जैसा क्वेश्चन आपने पूछा। सिंपल सी बात है, जब भी कोई कानून पास होता है, कोई भी कानून लोकहित में पास होता है ना, जब वो पार्लियामेंट में पास किया जाता है, तो उसका जो स्पीकर होता है वो सब तक उसकी आवाज़ पहुंचती है कि ये बिल पास हो गया, ये इसका अंगेंस्ट है, ये इसका विरोध कर रहे हैं। जब ये कानून किसानों के बिल पास हुए, तब वो माइक क्यों हटा दिए गए? वहाँ पे माइक ही बंद कर दिए गए, किसी को ये नहीं पता कि उस लॉ में क्या है, खुद ही अपने बिल पास कर बना लिए और खुद ही पास कर दिए, कोई बिल्कुल तानाशाही, लोकतंत्र ही तो खत्म ही हो गया। देश का राजा होता है, राजे का फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा की हकों की, हकूकों की रक्षा करे, लेकिन पहली बार ऐसा आदमी आया है कि उनको रोलने पे तुला है। ये बेचारे क्या एंटी नेशनल हैं जिसकी एक टांग नहीं है? नहीं नहीं कोई, ये एंटी नेशनल हो सकते हैं? ये 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 बहुत बड़ा धब्बा लगा रहे हैं इस मूवमेंट में। लेकिन आज मेरे को खुशी हुई दीदी कि इसको देख के एक आज सेलिब्रिटी, हिंदू सेलिब्रिटी ने, मेरे को आज 5 दिन हो गए जब मैंने कहा कि ये हैंडीकैप किसान अगर खालिस्तानी है तो मैं हिंदू खालिस्तानी हूँ, ऐसा है सर। सर जब जब देश आज़ाद हुआ,
जब देश आज़ाद हुआ भूखमरी से मर रहा था, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों ने पत्नियों के बीबियों के बहनों के कान के कोके बेचकर इस देश में हरी क्रांति लाई। तब हमारा देश अमेरिका के सामने कटोरी लेके अनाज के लिए गया था, तब इन लोगों ने देश को बचाया था। ये इन्होंने सारे जब आज़ादी मिली थी तो ये इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ के लिए हिंदू सिख रहेंगे, इन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे सब देश, ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, जैनी का भी है, बौद्धी का भी है, यहाँ हर व्यक्ति यहाँ है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।